हेलो फ्रेंड्स, आज एक और दिन है और न्यू डे और न्यू क्वेश्चन का आंसर लेके. मैं डॉक्टर वैभव नाडकर्णी, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, इनफर्टिलिटी ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट, आपके लिए एक और क्वेश्चन का आंसर लेके आया हूँ. प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर लेडी को बहुत बहुत अटेंशन चाहिए होता है, बहुत प्यार चाहिए होता है. तो काफ़ी क्वेश्चंस के साथ लेडीज़ हमको पूछती हैं हमारे वेबसाइट पर और हमारे पर्सनली भी हमको सबको, हम गायनेकोलॉजिस्ट को ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि ट्रैवलिंग सेफ है या नहीं प्रेगनेंसी के दौरान. अब प्रेगनेंसी जो है, प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है. बहुत हम अपनी घर के घर में औरतें अगर प्रेग्नेंट हो तो उनको अलग से एक मरीज़ की तरह एक स्पेशल ट्रीटमेंट, अलग है स्पेशल ट्रीटमेंट देना भी चाहिए, पर प्रेग्नेंट वीमेन आर नॉट पेशेंट्स. सो ट्रैवलिंग एज सच इज नॉट अ प्रॉब्लम अनलेस यू हैव सर्टन कंडीशंस. यानी मतलब ट्रैवल करना यूजुअली प्रॉब्लम नहीं होता है अनलेस आपको कोई तकलीफ हो. अगर ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो, अगर प्रेगनेंसी में ट्विन्स हो, एक से ज़्यादा जुड़वा बच्चे हो, या आंवल या मैली आपकी नीचे हो, तो ट्रैवल करना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. यूजुअली पहले 3 महीने जो होते हैं उनमें अबॉर्शंस ज़्यादा कॉमन होते हैं, इसलिए ट्रैवल दूर तक करना अलाउड होता है, पर यूजुअली हम अवॉइड करने को कहते हैं. एयर ट्रैवल जो है वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, वो भी जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में, यानी कि आखिर के महीनों में अवॉइड करने को कहते हैं, क्योंकि ऊपर हवा में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. ये ऐसे ही अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करो तो हम कहते हैं बेटर है. बस से ट्रैवल करना, यूजुअली बस में झटके लगते हैं हमारे यहाँ एरियाज में. अगर रास्ते सही नहीं हो तो बाइक में और बस में ट्रैवल करना यूजुअली हम सेफ नहीं मानते फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहले 3 महीने. उसके बाद ड्राइविंग वगैरह अलाउ कर सकते हैं. और दैट इज़ इट अबाउट ट्रैवल आई थिंक. थैंक यू.